उपचुनाव को लेकर जोगी की जाति को लेकर सियासत लगातार जारी है और जोगी की जाति को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साई ने कहा है कि जोगी की जाति की जानकारी पूरे छत्तीसगढ़ को है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा लेकिन आज तक उनकी जाति का मामला साफ नहीं हो पाया है। यह समझ नहीं आता कि जोगी जब कांग्रेस से लड़े थे तो उनकी जाति के संबंध में कोई दिक्कत नहीं थी, आज कांग्रेस से बाहर होकर लड़ रहे हैं तो उन्हें उनकी जाति पर दिक्कत हो रही है। इसमें प्रदेश चुनाव समिति है, केंद्र में केंद्रीय चुनाव समिति है और यहाँ पर प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग 3 तारीख को हुई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से लेकर सभी चुनाव समिति के सदस्य थे और उसमें नामों पर विचार हुआ और विचार विमर्श के बाद 4 नाम का पैनल नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे और केंद्रीय चुनाव समिति डॉक्टर गंभीर सिंह का नाम फाइनल किया और केंद्रीय चुनाव समिति मरवाही उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयार करने में जुटे राजनीतिक दलों की कवायतों के बीच बीजेपी के पूर्व विधायक युधवीर सिंह जूदेव की प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साई को लिखी गई एक चिट्ठी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस चिट्ठी में जूदेव ने साई को खुद चुनावी मैदान में बतौर उम्मीदवार उतारे जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि ताकत दिखाने का ये सबसे सही समय है। युधवीर के इस आशय पर संगठन में रायशुमारी भी शुरू हो गई है। बड़े नेता इस बयान के कई तरह के कयास निकालने में जुटे हुए हैं। आला नेताओं का एक धड़ा ये मानता है कि ये चिट्ठी एक तरह से नेतृत्व पर निशाना है। नेता कहते हैं कि जूदेव जिस ताकत को दिखाने का जिक्र कर रहे हैं, दरअसल वो ताकत संगठन की वास्तविक कमान अपने हाथों में लिए जाने को लेकर है। संगठन के आला नेता कहते हैं कि भले ही साय अध्यक्ष हैं, लेकिन राज्य संगठन की कमान पूरी तरह से उनके हाथों में नहीं है। यही वजह है कि जूदेव अपने चिट्ठी के बहाने दूर तक निशाना लगा रहे हैं। आदिवासी आरक्षित मरवाही सीट से बीजेपी ने डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। युधवीर सिंह जूदेव की चिट्ठी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साई ने कहा है कि बीजेपी में टिकट देने का एक सिस्टम है। राज्य में चुनाव समिति है और प्रदेश चुनाव समिति की बैठक 3 अक्टूबर को हुई है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से लेकर सभी चुनाव समिति के सदस्य थे। उसमें नामों पर विचार हुआ है। विचार विमर्श के बाद 4 नामों का पैनल चुनाव समिति को हमने भेजे थे। चुनाव समिति ने डॉक्टर गंभीर सिंह का नाम फाइनल कर दिया है। देने का एक सिस्टम है, प्रदेश में प्रदेश चुनाव समिति है, केंद्र में केंद्रीय चुनाव समिति है और यहाँ पर प्रदेश चुनाव समिति की मीटिंग 3 तारीख को हुई, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक से लेकर सभी चुनाव समिति के सदस्य थे और उसमें नामों पर विचार हुआ और विचार विमर्श के बाद 4 नाम का पैनल नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे और केंद्रीय चुनाव समिति डॉक्टर गंभीर सिंह का नाम फाइनल किया और केंद्रीय चुनाव समिति ने मतलब डॉक्टर गंभीर सिंह को प्रत्याशी तय किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता आशीष तिवारी जी राजधानी रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं, जिनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। आशीष जी, पहले तो नाम फाइनल हो गया, उसके बाद जूदेव चिट्ठी लेके बवाल काट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मारवाही उपचुनाव को लेकर बीजेपी चुनाव समिति ने जो बैठक की थी उसमें 4 नामों का पैनल तैयार किया था और इस 4 नामों को केंद्रीय चुनाव समिति की मंजूरी के लिए भेजा गया था और दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई तब डॉक्टर गंभीर सिंह के नाम पर मुहर लगाई गई और डॉक्टर गंभीर सिंह को बीजेपी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। लेकिन कल बीजेपी के पूर्व विधायक, 2 बार के विधायक और संगठन में पैठ रखने वाला जुदेव परिवार का बेटा युद्धवीर सिंह जुदेव ने एक चिट्ठी लिखी है विष्णुदेव साय को और विष्णुदेव साय को लिखी चिट्ठी में ये कहा है कि चूंकि मरवाही में कवर कम्युनिटी के जो ट्राइब है उनकी आबादी 40% से ज्यादा है, ऐसे में वो खुद कवर कम्युनिटी से आते हैं,
ऐसे में उनको खुद यानी प्रदेश अध्यक्ष को खुद चुनाव लड़ना चाहिए ताकि संगठन में वो अपनी ताकत मजबूत कर सके। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बात है, एक तो संगठन में ताकत मजबूत करने की बात है और दूसरा राज्य में जिस तरीके से एक विपक्षी दल की ताकत होनी चाहिए और जो बीजेपी कैडर महसूस नहीं कर पा रहा है, इस ताकत को भी मजबूत करने की बात अपनी चिट्ठी में युद्धवीर सिंह जुदेव कर रहे हैं। यानी उनका सीधा सीधा इशारा इस बात को लेकर भी है कि संगठन की कमान भले ही राज्य में विश्वजीत साय के हाथ जरूर हो, लेकिन वो एक ऐसे किरदार हैं जो किसी और से ऑपरेट होते हैं। तो इस तरीके से कोई खुलकर उन्होंने शब्दों का इजहार चिट्ठी में नहीं किया है, लेकिन यही आशय बीजेपी के जो तमाम आला नेता हैं वो निकाल रहे हैं। हालांकि आज जब विष्णुदेव साय से संदर्भ में बातचीत हुई, उन्होंने बयान दिया तो बयान में ये कहा है कि जुदेव परिवार के वो बेहद निकट हैं और चूंकि आत्मीय लगाव है इस लिहाज से युद्धवीर ने ऐसी चिट्ठी लिखी है। लेकिन अगर आत्मीय लगाव है और युद्धवीर सिंह अगर इस तरह की जुदेव अगर चिट्ठी लिख रहे हैं तो फिर उनको पर्सनली इंटरेक्ट करना चाहिए था। अगर वो किसी पर्टिकुलर फोरम पे अगर चिट्ठी लिख रहे हैं और वो वायरल हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मजाक तो बनेगा, सवाल तो किया जाएगा। देखिए अच्छा सवाल किया आपने रश्क, मजाक तो बन ही रहा है और संगठन के भीतर तमाम जो आला नेता है उनके पीछे चर्चा का एक बड़ा विषय भी बन चुका है कि आखिर युद्धवीर सिंह जुदेव ने किन परिस्थितियों के चलते इस तरीके की चिट्ठी प्रदेश अध्यक्ष को लिखी है। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के किरदार का जो हम जिक्र कर रहे थे बेसिकली, और इनकी जो रूट है वो जुदेव परिवार से रही है, जुदेव परिवार के बेहद करीबी रहे हैं और जिस समय दिलीप सिंह जुदेव छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक बड़े कद्दावर नेता होते थे तब विष्णुदेव साय दिलीप सिंह जुदेव के खेमे के एक बड़े किरदार होते थे और विष्णुदेव साय ये मानते हैं कि यदि राजनीति के इस मुकाम पर वो पहुंचे हैं तो इसके पीछे जुदेव परिवार की बड़ी भूमिका है और उसी परिवार के बेटे हैं। युद्धवीर सिंह जुदेव दो बार के बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जब उनका नाम कटा, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, तब वो संगठन के खिलाफ मुखर होकर सामने आए थे। उन्होंने तब भी ऐसे कई फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट और सोशल मीडिया पर इस तरीके से अपनी नाराजगी को जाहिर किया था कि बीजेपी के संगठन के तमाम आला नेताओं को उन्हें मनाने के लिए, उनके मान मनावल के लिए जोर आजमाइश करनी पड़ी थी। तो समय समय पर युद्धवीर की नाराजगी उभर कर सामने आती है और इस बार चिट्ठी की शक्ल में आई है। जाहिर सी बात है संगठन में चर्चा का विषय होगा और संगठन में जब इस पर बातचीत होगी तो संगठन का इस पर नजरिया क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आशीष जी, चिट्ठी की शक्ल में अगर नाराजगी सामने आई है तो चिट्ठी तक ही सीमित रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर पार्टी पुनर्विचार नहीं करती है और डॉक्टर गंभीर सिंह, क्योंकि अब ये फाइनल कैंडिडेट हैं मरवाही से, जाहिर सी बात है अब गंभीर सिंह के ही चेहरे पर अब चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव चिन्ह भी कमल है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भितरघात का सामना करना पड़े? क्योंकि वैसे भी अब मरवाही बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। देखिए बीजेपी में भीतरघात अब इस मुहाने पर हो ये लगता नहीं है। दरअसल चार नामों का पैनल प्रदेश चुनाव समिति ने बनाकर दिल्ली भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जेपी नड्डा प्रदेश राष्ट्रीय है उनकी मौजूदगी में जब चुनाव समिति की बैठक हुई तो इस हाई पावर बॉडी ने डॉक्टर गंभीर सिंह के नाम पर अप्रूवल दिया है। यानी अब राज्य संगठन के स्तर पर कोई नए नाम पर बात भी होगी इसकी गुंजाइश कम है, लेकिन जरूर ये युद्धवीर सिंह जुदेव जो है उन्होंने एक तरीके से पॉलिटिकल एक पासा फेंक दिया है और उस पासे में बताने की भी कोशिश की है। जरूर जी, चलिए बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज माता